कुत्ते ने औरतों के बारे में बताई यह तीन बातें, कड़वी हैं पर सच हैं। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, एक कुत्ते ने यमराज को सुनाई मनुष्य जीवन की कड़वी सच्चाई। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस प्राचीन कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कुत्ता यमलोक पहुंच जाता है और यमराज से शर्त लगाता है, और यमराज उस शर्त में कुत्ते से हार जाते हैं, और फिर यमलोक के सारे नियम बदलने पड़ते हैं। इस कथा में हम जानेंगे भगवान विष्णु ने यमराज को मनुष्य जीवन के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करके कथा को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहता था। वह उस सेठ के पास एक लाल रंग का कुत्ता होता है। वह सेठ बहुत लालची और कपटी स्वभाव का होता है, किंतु वह भगवान विष्णु का परम भक्त होता है। वह हमेशा अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता रहता था। फिर एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे मिलने के लिए पधारते हैं और उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। मांगो तुम्हें जो भी वर चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा और मनोकामना है मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। वह सेठ भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर वह सेठ एक साधा कागज निकालता है और भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं दुनिया के लोगों को भगवान के होने का सबूत दिखा सकूं। आजकल दुनिया में कोई ये मानना ही नहीं चाहता है कि भगवान है। फिर भगवान ने कहा, ठीक है वत्स, लाओ मैं तुम्हारे कागज पर दस्तखत कर देता हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु उस सेठ के कागज पर दस्तखत कर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वह सेठ उस कागज को हमेशा अपनी जेब में ही डालकर रखता था ताकि वह दूसरों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिनों बाद उस सेठ का वह कुत्ता मर जाता है, जिससे वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। सेठ का कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक में जाने लगता है। फिर यमलोक पहुंचने के बाद वह कुत्ता यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमराज उस कुत्ते का लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं, हे श्वान, तुमने तो पशु का जन्म पाकर भी कोई पाप नहीं किया है। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है, कभी किसी पशु पक्षी आदि प्राणियों को कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपने सभी काम बड़े ईमानदारी के साथ किए हैं। हे श्वान, एक कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई भी घृणित कार्य नहीं किए हैं, इसीलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप अब नष्ट हो चुके हैं। हे श्वान, अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो? तुम जहां चाहोगे वहां तुम्हें भेजा जाएगा। तुम जिस प्राणी का जन्म चाहते हो वह जन्म भी तुम्हें दिया जाएगा। हम तुम पर बड़े ही प्रसन्न हैं, शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है। फिर वह कुत्ता बोलने लगता है, हे धर्मराज, आप चाहे मुझे नरक में भेजो या स्वर्ग में, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूं मैं किसी मनुष्य के बंधन में ना रहूं, मुझे किसी मनुष्य की गुलामी न करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपा करके मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें। कुत्ते की बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित होते हैं और सोचने लगते हैं कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, फिर यह कुत्ता मनुष्य का जीवन ना देने की कामना क्यों कर रहा है। फिर यमराज उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, तुम मनुष्यों से इतना द्वेष क्यों करते हो? मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर क्यों तुम मनुष्य का जन्म नहीं पाना चाहते हो? इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, शायद इसीलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि उसके कितने फायदे हैं। यमराज की बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, मैं जानता हूं कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी, धूर्त, कपटी और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी चीज से नहीं होती। सारे संसार का धन भी उसे मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं रहता। उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। मनुष्य बड़ा ही असंतोषी होता है। वह अकारण ही दुखी रहने लगता है और दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है
और अपना काम निकलवाता रहता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है, इसीलिए मुझे मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं, हे श्वान, ये तुम क्या कह रहे हो? मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है? तुम जरा बताओ, मैं भी तो जानूं। फिर कुत्ता कहने लगता है, हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है। भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, मेरा ये काम बना दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण करता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है, न खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, न दूसरों को उठने देते हैं, न चैन से खाते हैं, न खाने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है, और उसकी धूर्तता तो देखिए, वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा होता है तो कहता है, भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूं। इस प्रकार से कहकर वो अपनी बात से मुकर जाता है। हे यमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को घिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, किंतु उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे श्वान, माना कि इंसान बहुत चालाक है, लेकिन वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे यहां जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर कितनी चालाकी क्यों न की हुई हो, उसे मृत्यु के बाद यही आना पड़ता है। सभी इंसान यहां पर आकर हमारे सामने रोते हैं, माफी मांगने लगते हैं, नरक जाने के भय से और मेरे भयंकर रूप को देखकर थर थर कांपते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। फिर वह कुत्ता बोलता है, हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं, आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तब आपको पता चल जाएगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उस कुत्ते की बात सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। वे सोचने लगे, ये तो हमारे यहां पर आकर हमारा ही अपमान कर रहा है, इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना होगा हमारे सामने कोई इंसान कुछ भी नहीं है, इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर यमलोक लेकर आ जाओ, हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर यह कुत्ता गलत साबित होता है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। उस कुत्ते को पूरा यकीन था कि एक अकेला जीवित मनुष्य स्वर्ग लोक में खलबली मचा देगा। फिर यम के दूत धरती लोक पर जाते हैं और उस कुत्ते के मालिक को अर्थात उस सेठ को चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उस सेठ की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि दो अत्यंत हृष्ट पुष्ट सिंगों वाले यमदूत उसे चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जा रहे होते हैं। वह सेठ उन यमदूतों से पूछने लगता है, हे यमदूत, क्या मेरी मृत्यु नींद में हो चुकी है? तब यमदूत कहने लगते हैं, नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित ही हो। फिर वह सेठ कहता है, फिर आप दोनों मुझे कहां ले जा रहे हैं, मैंने कौन सा पाप किया है? यम के दूत उस सेठ को सारी कहानी बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत चालाक होता है, इसीलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित ही यमलोक लाने के लिए कहा है। उस सेठ को पूरी बात समझ में आती है और वह कुछ देर तक सोचने लगता है और फिर तुरंत उसकी जेब में रखा हुआ वह कागज निकालता है जिस पर भगवान विष्णु ने दस्तखत किए हुए होते हैं। वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर से कागज को अपनी जेब में रख लेता है। यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस सेठ को देखते ही यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं, ये तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर वह सेठ जाकर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर यमराज को देता है। जब यमराज उस कागज को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो वे तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को सिंहासन पर बिठाकर खुद उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यमराज के सभी दूत चौंक जाते हैं, सोचने लगते हैं, यमराज ये क्या कर रहे हैं, एक मानव को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं, ये जरूर कोई पहुंचा हुआ इंसान लगता है।
वह सेठ अब यमपुरी का राजा बन जाता है। यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह सेठ सिंहासन पर बैठते ही यमलोक के सभी कानून बदल देता है और यमराज को ही यमलोक के द्वार का पहरेदार बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहां पर आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसीलिए उस सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में ही भेजा जाए। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्ग लोक में खलबली मच गई। सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। आदेश यमलोक के राजा ने दिया था, इसीलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे। स्वर्गलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के कर्मचारी और अप्सराएं परेशान होने लगे और सोचने लगे, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। उधर वह कुत्ता सोचने लगा, यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना महंगा पड़ गया, सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर वह कुत्ता अपने सेठ के पास गया और पूछने लगा, सेठ जी आपने यह सब कैसे किया। अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं, अब मैं सारे जीवन आपका दास बनकर रहूंगा, कृपया आप मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया। तब उस सेठ ने धीरे से उस कुत्ते के कान में कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक ले जाया जा रहा है तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत किए हुए कागज पर यह लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए, यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान विष्णु के दस्तखत देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान विष्णु का ही आदेश है, तो उन्होंने बिना विचार किए ही मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, इंसानी दिमाग चाहे जहां भी रहे खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ चले गए और उन्हें सारी बात बता दी। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आ गए तो उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। फिर यमराज के सिंहासन पर कौन बैठा है। भगवान विष्णु को देखते ही यमराज उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु आपकी यह लीला बड़ी ही विचित्र है। धरती के एक साधारण मनुष्य को आपने यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान विष्णु यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज ये मैंने नहीं किया है, ये तो मनुष्य के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा, इसीलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाए और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान करे। किंतु आप तो एक जीते जागते मनुष्य को ही यमलोक उठाकर लेकर आए। यमराज से इतना कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। फिर जब उस सेठ ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा तो वह तुरंत यमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने अपने कुत्ते को नरक में जाने से बचाने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ही ऐसा किया। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, अब मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने उस सेठ को क्षमा कर दिया। फिर वह सेठ धरती लोक पर लौट गया। भगवान विष्णु ने भी यमराज को फिर से यमलोक की गद्दी पर बिठा दिया और वे भी वैकुंठ लोक लौट गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। तब वह कुत्ता यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज देखिए आपने जीवित मनुष्य की चालाकी, एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है, इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है तो वह अंधा हो जाता है, उसे दोस्त परिवार दिखना बंद हो जाते हैं, लालच में वह धर्म को भी भुला देता है और अनिष्ट कार्य करने लगता है। जब तक वह शास्त्र अनुसार कर्म करता है तभी तक सुखी रहता है, और जब धर्म से विमुख हो जाता है तो क्लेश और बीमारियां उसे घेर लेती है और उसका पतन हो जाता है। फिर यमराज उस कुत्ते को क्षमा कर देते हैं, उसे स्वर्ग में भेज देते हैं और यमलोक के बदले हुए कानूनों को फिर से सही कर देते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से एक कुत्ते ने यमराज को मनुष्य के जीवन की सच्चाई बताई है। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।